नमस्कार दोस्तों। देश भर के प्रोपेगेंडिस्ट को चाहिए था एक और नया चेहरा, मीम्स का फैक्ट चेक कर जो बना सके लोगों को मोहरा। आप सच समझ ना पाए इतना फैला दूंगा मैं झूठ का कोहरा, झूठ ही सच लगने लगेगा इतनी बार बोलूंगा मैं दोहरा दोहरा। म्यूजिक उन्हें चाहिए थी एजेंडा चलाने की नई की, मुझे भी चाहिए थी डिजिटल टीआरपी। मैं हूं काठी का घोड़ा, तुम्हें बनाऊंगा घोड़े की काठी, मेरा नाम है ध्रुव राठी। आपको ये राइमिंग सस्ती लग सकती है, पर अब इनके लिए मुक्ति बोध को कोट करना भी कहां की समझदारी होती। खैर, संस्कारी रोस्टिंग में आज बात झूठी सत्यशोधकता, वामपंथी घागपन, एनआरकी और हिपोक्रेसी के अबूझ मिश्रण, आम आदमी पार्टी से क्लोजर द सीरियल एक्सपोजर ध्रुव राठी की। आप भाई साहब ने इंटरनेट पर कुछ अलग ही रायता फैला रखा है, और फैलाए भी क्यों ना, आप हैं भी अखिल भारतीय रायता फैलाओ पार्टी के कार्यकर्ता बल, यानी सर केजरीवाल के प्रपंच का ऑनलाइन वर्जन ही। आपने हाल ही में बीएमसी, कंगना और रिया चक्रवर्ती को लेकर एक वीडियो बनाया और बताया कि मीडिया सिर्फ इसी मुद्दे पर बात कर रही है। मुद्दा इनका भी वही है, चाहिए इन्हें भी व्यूज ही। ये तो वही बात हुई कि दूसरे का कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। वैसे ही ये आदमी भी आदमी नहीं, शुतुरमुर्ग है। वीडियो में आगे इन्होंने हमेशा की तरह किसी रहस्योद्घाटन और एक्सपोज करने वाले अंदाज में बताया कि सुशांत की मौत को कंगना ने अटेंशन, सरकार ने इसके वाले मुद्दों से डिस्ट्रैक्शन और इसे मुद्दा बनाया गया फॉर बिहार इलेक्शन। भाई इसे एक्सपोजर नहीं एक्सपो कहते हैं। ये पूरी वीडियो विपक्ष, सरकार के अंध विरोधियों और वामपंथी अराजकतावादियों द्वारा गढ़े गए नैरेटिव की प्रदर्शनी यानी एक्सपो ही थी। अब झूठ सुनिए। ये आदमी द प्रिंट की रिपोर्ट कोट करके बोलने लग रहा है कि कंगना को मिलने वाली वाई प्लस सुरक्षा देश में सिर्फ 15 लोगों को मिली है, जो कि एक झूठ है। पीआईबी की ऑफिशियल रिपोर्ट बताती है कि ये 144 लोगों को मिली हुई थी। फिर कहने लग रहा है कि वाई प्लस सुरक्षा टॉप थर्ड सिक्योरिटी कवर है, जबकि ये चौथी है। ये आदमी एसपीजी को काउंट ही नहीं कर रहा है। आप कहोगे तीसरे चौथे में अंतर ही कितना है, ये सच और झूठ जितना अंतर है, क्योंकि टॉप से तो ये बता रहा है पर वाई प्लस के बाद सिर्फ दो ही सुरक्षा कवर बचते हैं, यानी वाई और एक्स, जो कम से कम राउत के गुंडों से सुरक्षा देने में असमर्थ ही रहते। और हाँ, फिर ये आदमी कंगना पर कोई थ्रेट है ये भी नहीं मान रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की ऑफिस बेरर कविता कृष्णन के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगा के देश के एक्टिविस्ट आईएएस की बात करने लगता है। ये कौन सी बात हुई? शायद ये अपने दर्शकों के मानसिक स्तर को इतना ही आंकते होंगे, कुछ भी चिपका के कुछ भी बोल दो, कौन ध्यान रख रहा है। अच्छा, उस ट्वीट में बात भी राणा अयूब को सुरक्षा देने की चल रही है। ये वही राणा अयूब हैं जो विदेशी अखबारों में देश विरोधी लेख लिखती हैं, जिनके उपन्यास नुमा स्वघोषित शोध गुजरात फाइल्स को सुप्रीम कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश करने के एवज में सुप्रीम कोर्ट ने गंदी लताड़ लगाई थी। इनकी माने तो कंगना को कोई गाली नहीं देता, उसे रेप और डेथ थ्रेट नहीं मिलती। ओ भाई, कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? तुम्हें ट्रोल के थ्रेट्स और स्टेट स्पॉन्सर्ड थ्रेट्स में अंतर समझ नहीं आता क्या? इतने से मन नहीं भरा तुम्हारा तो एक और झूठ बोला कि पद्मावत के दौरान करनी सेना की धमकी पर दीपिका को कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी, जबकि उन्हें भी सुरक्षा दी गई थी। हद है लंपट पने की कतई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आगे वीडियो में ये सीरियल एक्सपोजर आईएमएफ की रिपोर्ट का हवाला देकर G20 देशों की अर्थव्यवस्था से भारत की तुलना करने लगता है। कल तक ये और इनके बौद्धिक काका G20 में भारत के शामिल होने का ही विरोध करते थे,
दरअसल तब अलग प्रोपेगेंडा चलाना था और अब अलग। इनकी अकल का ऊंट कब कौन सी करवट बैठ जाए कहना मुश्किल है। चलो फिर भी कर लेते हैं तुलना। ये IMF की एक रिपोर्ट के आधार पर बोलते हैं कि G20 कंट्रीज में भारत की GDP सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है और अर्थव्यवस्था के मामले में इंडिया वर्स्ट हिट कंट्री है। ओ भाई, G20 कंट्रीज में जो देश शामिल हैं उनकी अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर है। तुम्हें देश के सबसे बड़े टैक्स उधार GST से तो आज तक दिक्कत है। और GDP की तुलना सिर्फ एक चीज के आधार पर नहीं होती, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं भाई साहब। भारत के मुकाबले बाकी देशों की जनसंख्या कुछ भी नहीं है। जितना लंबा लॉकडाउन भारत में लगाने की जरूरत पड़ी और लगाया गया, उतना और किसी देश में नहीं लगाया गया। देश में अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। ऐसे लोगों से अनुरोध है कि अपने अकल पर लगे लॉकडाउन को भी खोलना शुरू कर दें और कोरे लफाजी को जुबान से बाहर ना ही निकाले तो अच्छा है। ये लोग जो पिछले 6 सालों से लोकतांत्रिक तरीकों से चुनकर आई सरकार को लगभग रोज लोकतंत्र की हत्यारी बताते आ रहे हैं, इन्हें कंगना का BMC की कार्रवाई को डेथ ऑफ डेमोक्रेसी कहना नहीं सुहा रहा। अगली लफाजी देखिए। इनकी नजरों में प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना लोकतंत्र की हत्या है। सोचते कहां से हो भाई? घुटनों का इस्तेमाल अकल के तौर पर करना यूनिवर्सल लॉस के खिलाफ है मेरे दोस्त। फिर ये आम आदमी कश्मीर से 370 हटाने के लिए किए गए प्रबंधों में लोकतंत्र की हत्या का राग अलापने लगा। तो हे अफसरवादी संविधानवाद के चिंटू, कश्मीर पर जितने भी कानून लागू किए गए हैं वो सब संवैधानिक हैं। इसमें से कुछ भी संविधान के दायरे के बाहर नहीं हुआ है। और ये बात हम तुम्हारी तरह किसी प्रोपेगेंडा पोर्टल से उधार लेकर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के खुद के कथन के आधार पर बोल रहे हैं। हे विदूषक राठी, तुम कंगना के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाकर भी उसे सही से नहीं पढ़ पाए, उसका भी आधा तीतर आधा बटेर कर दिया। भाई साहब वीडियो में बोलने लग रहे हैं कि कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान बोला था, जिस पर राउत ने उन्हें मुंबई लौटने से काइंडली मना किया। कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK बोला था, जो एक इंडियन टेरिटरी है। POK को पाकिस्तान मानते हो, है ना? हे चरम चपल चिंटू, इसे कान खोल कर सुन लो। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के PAK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। POK भारत का ही हिस्सा है, जिस पर एक एलियन गवर्नमेंट शासन कर रही है और वहाँ के लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते क्योंकि उन्हें वहाँ की दुष्ट सरकार से खतरा है। वैसे ही कंगना को मुंबई शहर या वहाँ के भूभाग से नहीं बल्कि वहाँ की सरकार और प्रशासन से शिकायत है और वो वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती। सही सही पढ़ते तो फिर शब्दों का प्रपंच कैसे रचते। कमाल का काम किया, कमाल का काम किया। वाह 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 वाह। सत्य शोधक समाज के ये सुविधावादी शुतुरमुर्ग आगे एक और झूठ फैलाते हुए बताते हैं कि जिस तरह BMC ने कंगना का घर तोड़ा है, वैसे ही 2016 में कपिल शर्मा का भी घर तोड़ा गया था क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोला था, जबकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इसके उलट कपिल शर्मा ने PM मोदी को शिकायत की थी कि BMC ने उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है और जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद संज्ञान लेते हुए उनको आश्वासन दिलाया था कि रिश्वतखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद BMC ने सफाई देते हुए कपिल से उस अफसर का नाम बताने को कहा था। इस शुतुरमुर्ग को देश में एक सर्कस चलता दिखाई देता है, जिसके जानवर हैं हम भारत के लोग, हंटर है मीडिया और रिंग मास्टर है देश की सरकार। भाई, मीडिया का चरित्र कोई पिछले 6 सालों से ऐसा नहीं हो गया है। इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब 24/7 न्यूज चैनलों ने अवतार लिया था। देश के प्रमुख मीडिया चैनलों पर होने वाली बेहूदी डिबेट्स का आंकड़ा इनकी चिंता का विषय है।
अब आप ध्रुव राठी के खुद के यूट्यूब चैनल का ही आंकड़ा देख लीजिए। ये इनकी 299 वीडियो थी। इन 299 वीडियोस में से 256 वीडियोस किसी ना किसी तरीके से सिर्फ मोदी सरकार के कैरेक्टर असैसिनेशन पर बनाई गई हैं, और लगभग हर वीडियो में ऐसे ही झूठ और प्रपंच और मीम्स का फैक्ट चेक कर उन्हें एक्सपोज करने का दावा किया गया है। बाकी बची 43 वीडियोस में या तो ये कुछ ना कुछ समझाने के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है, या फिर आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। देश की मीडिया की हालत जर्जर हो चुकी है, लेकिन केवल रिपब्लिक, जी न्यूज, इंडिया टीवी, न्यूज 18 ही सत्ता के चाटुकार नहीं बन गए हैं, बल्कि इंडिया टुडे, द वायर, स्क्रोल, क्विंट, न्यूज लॉन्ड्री और NDTV भी सत्ता के विरोध में भांड बने बैठे हैं। जहां तुम जर्मनी से आकर खूब शौक से इंटरव्यू देते हो और तुम्हें इंडियन यूथ की असली आवाज बताया जा रहा होता है, तुम खुद ध्रुव राठी स्क्वाड चलाते हो जो तुम्हारे विरोध के स्वरों को सप्रेस करने के काम आती है, और अभी तो तुम्हारी औकात किसी चूजे जितनी भी नहीं है, तब ये हालत है। आप खुद याद करिए, कंगना के बोलने से पहले क्या सुशांत की मौत का पूरा मामला अपने आकाओं के इशारे पर मुंबई पुलिस ने लगभग खत्म नहीं कर दिया था? आज इन्हें कंगना से या अर्णब के चीखने से दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्या कंगना के सुशांत की मौत का कारण बनी हर संभावना पर मुखर होने और अर्णब के लगातार चीखने के बिना ड्रग्स, निपोटिज्म, बॉलीवुड माफिया और राजनीतिक गठजोड़ का खेल पता चल पाता? खैर, ध्रुव राठी नाम का ये शख्स झूठ को उजागर करने पर बोले गए झूठ, अर्ध सत्य और वामपंथी प्रपंचों का ऐसा सम्मिश्रण तैयार करता है कि टीनेजर्स बच्चों को बड़ा कूल लगता है और वो इसे ही सच मान लेते हैं। ऐसे में इन्हें आईना दिखाते रहना जरूरी है, क्योंकि संस्कृत की एक सूक्ति है, आर्जवम हे कुटिलेशु नानीति, अर्थात कुटिल जनों के प्रति सरलता नीति नहीं होती। धन्यवाद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।